प्रसिद्ध भजन गायक व उसके परिवार की तेज धारदार हथियार से काटकर हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने 2 चाकू, 1 तलवार और कुछ लूटा हुआ सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को पानीपत से लापता व बेटे के शव और लूटी हुई कार के साथ बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लूट हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। जबकि पुलिस अधिकारी ने बताया कि 24 घंटे के अंदर हुए चौराहा हत्याकांड के खुलासे को लेकर डीजीपी ने टीम को नगद 25,000 रुपए का इनाम दिया है। जानकारी के अनुसार शामली जनपद की आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के सिटी के पंजाबी कॉलोनी में अंतरराष्ट्रीय भजन गायक अजय पाठक व उनकी पत्नी स्नेहा पाठक, बेटी वसुंधरा और पुत्र भागवत की तेज धारदार हथियार से काटकर निर्मम उनके घर में हत्या कर दी गई थी। हत्या के पीछे जहां पुलिस ने खुलासे के लिए 4 अलग-अलग टीमों को गठित किया गया था। पुलिस ने देर रात हरियाणा के पानीपत से हाईवे से हिमांशु सैनी निवासी झाटखेड़ा थाना कैराना को लापता भागवत के शव व लूटी हुई कार के साथ बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी और मृतक अजय पाठक के बेटे के शव और लूटी हुई कार को बरामद कर घटना का खुलासा किया है। घटना के पीछे जहां पुलिस हिरासत में खड़े आरोपी हिमांशु सैनी ने बताया कि अजय पाठक के पास उनकी 60,000 की 3 कमेटियां थी, जिसके पैसे उनसे बार बार मांगे थे। बार बार रुपयों का तकादा करने के बाद भी आरोपी को मृतक अजय पाठक ने पैसे नहीं दिए थे, जिसके बाद मृतक अजय पाठक ने डांट फटकार लगाई थी। उसी से गुस्सा होकर उसने अपने गुरु अजय पाठक, उनकी पत्नी व बेटे व बेटी को सोते हुए काटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए बारी बारी से गाड़ी में डालकर पानीपत लेकर जाना चाहता था, लेकिन घटना के बारे में पुलिस को पता लगने के बाद वह वापस नहीं आया और पूरी घटना को रुपयों के लेन देन की वजह बता रहा है। जबकि आरोपी लूटी हुई कार और अजय पाठक के बेटे भागवत का शव लेकर पूरा दिन इधर से उधर गाड़ी में रखकर घूमता रहा, जिसमें करीब शामली से यूपी और हरियाणा के बॉर्डर तक 5 चौकियां पड़ती हैं, जहां पर उसकी कोई भी तलाशी नहीं ली गई और वह बड़ी आसानी से हत्या कर शव को उनके घर से उठाकर यूपी पार करते हुए हरियाणा के पानीपत जनपद तक लेकर चला गया। जनपद के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी में हुए चौराहा हत्याकांड के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक का कहना है कि करीब 60,000 के लेन देन को लेकर आरोपी ने अपने गुरु व उनके परिवार की हत्या की है। हत्या के मामले में पुलिस ने घर से लूटा हुआ कुछ सामान व हत्या के दौरान प्रयोग किए गए चाकू, तलवार व अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने आज मृतक अजय पाठक के लापता हुए बेटे का शव व उनकी लूटी हुई कार व आरोपी के कब्जे से बरामद कर घटना का खुलासा कर दिया। घटना के मामले में पुलिस ने अकेले आरोपी होने की बात कही है। तूने हत्या क्यों की? लेन देन के ऊपर मैटर चल रहा था मेरा काफी दिन से। मेरे महाराज जी के ऊपर पैसे थे, उन्होंने मुझे टाइम पर पैसे नहीं दिए क्योंकि मेरा लोन चल रहा था बैंक से। लोन की मेरी आरसी कटी, आरसी कटने के बाद महाराज जी हुआ था, इसकी आरसी कट गई। महाराज जी ने वादा किया, वादा करने के बाद में फिर भी मुझे पैसा नहीं दिया। अच्छा, तुम वहाँ पे कैसे पहुँचे, कब पहुँचे, किस टाइम पहुँचे, कैसे कैसे पूरी वारदात को अंजाम दिया पूरा बताओ। शाम के टाइम उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया उनके पास, सारी बात हुई। सारी बात होने के बाद में बस वही लड़ाई झगड़े वाली बात आ गई। उन्होंने 2-3 मेरे मारे, 2-4 गालियाँ दी। 2-4 गालियाँ देने के बाद में मुझे 2-4 बात कच्ची बातें कही। उसके बाद फिर मेरे से मुझे नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, बस हो गया। कोई और भी था तुम्हारे साथ? नहीं, मेरे साथ और कोई। अच्छा, लास्ट को लेकर कैसे पैसे थे वो, क्यों दिए थे आपने या आपके उस पर उधार थे? कमेटी के पैसे थे उनके पास। कमेटी के? किस बात की कमेटी डालते थे आप? कमेटी जैसे मतलब कितने रुपए महीने की कमेटी थी? ये करीबन 4 से 5 हज़ार रुपये। तो बच्चे सिलसिले बार कैसा पूरी हत्या को अंजाम दिया, तो उन्होंने पहले किसकी हत्या की, कैसे कैसे पूरा बताओ डिटेल में। पहले किसे मारा? पहले महाराज जी को, उसके बाद में उनकी धर्मपत्नी को, फिर वसु को, फिर भागवत को। भागवत को यहीं मार दिया था या रास्ते में मारा? सभी को यहीं से। तो उसे साथ लेके क्यों गए? सभी को लेके जाने का प्रोग्राम था, लेकिन सुबह का टाइम ज़्यादा हो गया था, रोशनी आ गई थी, सुबह न्यूज़पेपर अखबार वाले आ गए थे, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए घर को लॉक करके उसे ही लेके चला गया। अच्छा, किस समय निकले तुम यहाँ से और फिर कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे कहाँ पहुँचे? 7-7:30 बजे निकले। अच्छा, फिर कहाँ कहाँ गए? फिर मुझे ये नहीं पता मैं कहाँ कहाँ गया। दोबारा भी आए थे आप शामली? शामली एक बार और आया था। किस समय? 11:30, 11:30, 12 बजे गया। दोबारा क्या लेने आए थे आप?
दोबारा क्या लेने आए? दोबारा एक लॉक रह गया था, वो लॉक लगाने के लिए आया था, क्या ताकि मैं शाम के टाइम ठीक ठाक से अपना काम। अच्छा, तो फिर कितनी देर बाद वापस निकले? तभी निकल गया। तो गाड़ी में आग क्यों लगाई वहाँ? बच्चे को क्यों जलाया फिर जब मार दिया था? जब मेरे पास सारे रास्ते खत्म हो गए थे तो मैंने यही काम। अच्छा ये बता, तुम गए थे वहाँ क्यों गए थे? उस पर पानीपत हाईवे पर क्यों गए थे आप? यहाँ पे टाइम काटने के लिए। अच्छा, तुमने जो है यहाँ पे जो वारदात करी उस दौरान लूटपाट करी, वो लूटपाट का सामान कहाँ गया? लूटपाट मैंने कोई नहीं की, लूटपाट मैंने उनका कुछ नहीं उठाया। अच्छा, ये बताओ, तुम डेड बॉडी लेकर बच्चे की जब जा रहे थे तो चौकियां भी पड़ती है रास्ते में, कहीं चेकिंग नहीं मिली आपको? अच्छा, तो ये मुझे रोका किसी ने कुछ हुआ? अच्छा, ये बताओ, जैसे तुमने वारदात को अंजाम देकर वहाँ से निकले तो बताया कि लूटपाट की, सामान कोई महिला तुम्हारे साथ थी, फिर तुमने उस महिला को सामान देकर भेजा? अच्छा, एयरपोर्ट गए थे? टोटल कमेटी के तुम्हारे कमेटी के तीन कमेटी चल रही थी, 67,000 रुपए की। अच्छा, तो पछतावा है तुझे? पछतावा है क्यों नहीं? एक तो मेरा पेमेंट गया सारा सारा, एक बैंक का लोन मुझे खुद देना पड़ेगा, मुझे जेल में सजा। इनकी चारों की जिंदगी चली गई। पछतावा है इनकी मौत का? पछतावा है इनका, पछतावा है मेरे तो पिता समान थे। तो घर से सोच के आए थे? नहीं, मैं घर से कुछ नहीं सोच के आया, जो कुछ हुआ मुझे ये नहीं बताया मेरे साथ हुआ क्या, मेरे हाथ बार कैसे चले, कैसे मेरे दिमाग ने काम। अच्छा, ये भी बताया गया कि तुमने नींद वींद की गोली भी दी? नींद की गोली भी दी थी आपने? नहीं, कुछ नहीं। ठीक 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 रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेंगे और इसकी और गहनता से विवेचना करेंगे और वो सारी चीज़ें भी हम बरामद कराने का इसमें पूरा प्रयास करें। सर, खुलासे में कितना समय पुलिस को लगा सर, कितनी टीमें इसमें लगाई गई थी सर? देखिए, कुल 4 टीमें जो है जनपद स्तर पर इसमें लगाई गई थी और इस पर लगातार अथक प्रयास करते हुए 24 घंटे के भीतर इसका सफल अनावरण किया गया है और जो भी सामान इसमें अभी तक गया था, जो तहरीर में लिखा भी गया, वो सामान बरामद कर लिया गया है और अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्रवाई करके उसे जेल भेजा जाता है। सर, इनाम की भी बात है कि टीम? देखिए, DIG सर ने इसीलिए 24 घंटे के अंदर ये सराहनीय कार्य करने के लिए जो भी पुलिस टीमें से लगी थी उनका उत्साहवर्धन करने हेतु इसमें 25,000 रुपये का नगद इनाम से उन्हें पुरस्कृत किया गया। ना आदर्श मंडी के पंजाबी बाग कॉलोनी में कल यानी 31 दिसंबर की शाम को पुलिस को ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में 3 लोगों की धारदार हथियार से प्रहार करके हत्या कर दी गई है। सूचना पाके ही तत्काल थाने के पुलिस तथा आला अधिकारी सभी मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया था, डॉग स्पॉट को भी बुलाया गया था, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई वहां मौके पर की गई, कई फॉरेंसिक जो है एविडेंसेस वहां पर इकट्ठे किए गए, घटनास्थल का निरीक्षण हुआ और तत्काल 4 टीमों का वहां पर गठन कर दिया गया। और उसी वक्त ये भी बात प्रकाश में आई कि उसी घर का एक 11 वर्षीय जो है बच्चा जो मिसिंग है और उस घर की एक इको स्पोर्ट्स गाड़ी है वो भी मिसिंग है और जो तीनों वहाँ पे मृतक हैं जिनके शव वहाँ पड़े थे उन तीनों के मोबाइल फ़ोन भी इसमें जो है मिसिंग है। तत्काल जो आसपास के CCTV फुटेजेस देखे गए, अगल बगल के जनपदों में और अगल बगल के प्रदेश में जो कंट्रोल रूम से वायरलेस कराया गया उस गाड़ी के संबंध में और हमारी सर्वेलांस टीम और स्वॉट टीम को भी इस पर लगाया गया, लगातार अथक प्रयास से एक संदिग्ध जो है इसमें प्रकाश में आया, उसकी गिरफ्तारी इसमें की गई है जिसका नाम हिमांशु सैनी है और इसके पास से जो है आला कत्ल इस घटना को जो इसने कारित करने में प्रयोग किया था एक लंबा तलवार और एक कृपाण एक बड़ा सा छुरा है वो बरामद किया गया है। जो तीनों मृतक थे उनके जो है तीनों मोबाइल फ़ोन जो उसने ले अपने साथ ले गया था वो भी इससे बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त जो इको स्पोर्ट्स गाड़ी थी इसके पास उसमें इसने आग लगा दी थी पानीपत टोल के आगे, वो भी पुलिस द्वारा उसमें बरामद कर लिया गया है, जिसकी डिक्की में जो 11 वर्षीय बालक था जिसकी उसने उसी शाम को हत्या कर दी थी, उसी रात को हत्या कर दी थी भगवत को, उसकी बॉडी भी उसमें बरामद हुई जिसकी पोस्टमार्टम आज कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो घटना के वक्त इसने कपड़े पहन रखे थे जिन पर खून लगा हुआ था वो कपड़े भी इसके पास से बरामद कर लिए गए हैं और इस संबंध में जो है इसके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई करके इसे जेल भेजा जा रहा है। हत्या का कारण क्या बना सर? ये जो हमारे इसमें मृतक हैं अजय पाठक जी, इनका जो है ये करीबी था, इनके साथ जागरण के और भजन के प्रोग्रामों में ये भी पार्टिसिपेट करता था, थोड़े बहुत पैसे कमाता था। इसका अक्यूज्ड का ऐसा कहना है कि इसने छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में कुछ पैसे अजय पाठक जी को दे रखे थे जिनको जब भी वो वापस मांगता था उसको ह्यूमिलिएट किया जाता था, उसको अपमानित करके डांटा जाता था, मना किया जाता था, एक आध बार हाथ उठाने के भी प्रकरण का वो जिक्र किया इसने। इसके अतिरिक्त इसकी माली हालत अच्छी नहीं थी, काफ़ी लोगों से इस पर कर्जा हो रखा था लाखों का और तथा एक बैंक से भी जिसको हमने वेरीफाई करा लिया 5 लाख का इसके ऊपर कर्ज था, इसकी किस्तें ये नहीं दे पा रहा था और डिफ़ॉल्ट करने की वजह से इसको बैंक से लीगल नोटिस भी आ रखा था। इन चीज़ों से ये मानसिक तनाव में काफ़ी रह रहा था और घटना वाली रात में भी इसने पुनः तगादा किया अपने पैसे का उनसे और ऐसा इसका कहना है कि उसको फिर से ह्यूमिलिएट किया गया, गालियाँ दी गई और धिक्कार दिया गया, जिसके बाद इसने ये घटना कारित करने की मन में ठानी। इसके मन में इस चीज़ को लेके एक रंजिश भी थी, एक गुस्सा भी था
बाकी इसको पैसे की भी जरूरत थी, तो इस प्रकार इसने इस घटना को अंजाम दिया। सर जिस तरीके से डेड बॉडी को लेकर जनपद के अलग अलग थानों में चौकियों में को गुजरा, क्या कहीं पे कोई चेकिंग वगैरह नहीं की गई थी पुलिस के द्वारा या फिर एक तरीके से जो चेकिंग चलती है? देखिए टाइम टू टाइम यहाँ पे चेकिंग कराई जाती है और जैसा कि इसने बताया सीसीटीवी से जो इसको ट्रेस किया गया, इसकी बॉडी है यहाँ से लेकर पहले सोनीपत टोल से गुजरा है और सोनीपत टोल पे भी इसकी फुटेज वहाँ हमें मिली है। बाकी इसने और भी कई चीज़ें बताई हैं जिसको भी पॉइंट टू पॉइंट हमें वेरीफाई करना अभी जरूरी है। 144 लागू है जिले में, उसके बावजूद डेड बॉडी जो है जो जा रही है गाड़ी से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात का दावा किया जाता है, उसके बावजूद गाड़ी को नहीं रोक पाई पुलिस, कहाँ लापरवाही है पुलिस की या नहीं? देखिए अभी तो इसमें कोई लापरवाही ऐसी प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन ये जो रेगुलर गश्त और हमारी चेकिंग चल रही है काफ़ी प्रभावी रूप से चल रही है। बाकी अगर इस तरह से कोई संज्ञान में आती है बात कि कहीं चेकिंग चल रही थी और ये गाड़ी निकल गई, तो डेफिनेटली इस पे ध्यान दिया जाएगा। बॉर्डर भी है, यूपी हरियाणा का बॉर्डर है, वहाँ से तस्करी भी होती है कई बार, हथियारों की तस्करी, शराब तस्करी, उसके बावजूद इस तरह गाड़ियाँ गुजर रही है एक डेड बॉडी को लेकर के? बिल्कुल रेगुलर वहाँ पर चेकिंग होती रहती है और काफ़ी वहाँ पर जो है सराहनीयपूर्ण और महत्वपूर्ण बरामदगियाँ भी हुई हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा अभी हाल ही में 35 लाख की उसमें जो है शराब बरामद हुई थी। उसके पूर्व में जो है उसकी एक मैं कह रहा हूँ उसके पूर्व में जो है 10 लाख की शराब बरामद हुई थी उसमें, और उसके अतिरिक्त कई बार वहाँ गाजा और अफीम भी पकड़ा गया है, तो आप लोग ये भी जानकारी में होगी, तो अच्छी चेकिंग वहाँ होती है और उसको थोड़ा हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और क्या क्या बरामद हुआ सर इसके पास? देखिए इसके पास जो आला कतल है मैंने आपको बताया, जो बड़ा तलवार नुमा है और चाकू है वो बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त जो इको स्पोर्ट्स गाड़ी है जो मृतक की बताई जा रही है जिसका वायरलेस कराया गया था वो गाड़ी बरामद कर ली गई है, और जो तीनों मृतक के मोबाइल फ़ोन थे वो तीनों मोबाइल फ़ोन भी इनसे बरामद कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त बाकी इनके भी पुलिस कस्टडी रिमांड लेके जो शेष बरामदगी है वो भी कराने का इनसे प्रयास करेंगे। सर और कितने लोग शामिल थे इसके साथ या किसने अकेले ने घटनाक्रम को अंजाम दिया? अभी तक की जो भी जांच और परिस्थितिजन्य साक्ष्य सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये अकेला है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। क्या पता चल रहा है सर की घटना को अंजाम देगा, क्या-क्या? देखिए जो चीज़ें मिसिंग हैं कुछ तो तहरीर में दी गई थी, जैसा कि इको स्पोर्ट्स गाड़ी के बारे में उसमें जिक्र था जो बरामद कर ली गई है, जो तीनों मृतक हैं उनके मोबाइल फ़ोन के बारे में इसमें जिक्र था वो भी बरामद कर लिया गया है, और ऐसा परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि जो बच्चा था उसके कान में बाली थी और बाकी जो मृतक हैं अजय पाठक उनके पास माला और अंगूठियां थी, उसके संबंध में इससे पूछताछ की जा रही है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेंगे और उसकी और गहनता से विवेचना करेंगे और वो सारी चीज़ें भी हम बरामद कराने का इसमें पूरा प्रयास करेंगे। सर खुलासे में कितना समय पुलिस को लगा, सर कितनी टीमें इसमें लगाई गई थी? देखिए कुल 4 टीमें जो है जनपद स्तर पर इसमें लगाई गई थी और इस पर लगातार अथक प्रयास करते हुए 24 घंटे के भीतर इसका सफल अनावरण किया गया है, और जो भी सामान इसमें अभी तक गया था जो तहरीर में लिखा भी गया वो सामान बरामद कर लिया गया है और अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्रवाई करके उसे जेल भेजा जा रहा है। सर इनाम की भी बात है कि टीम? देखिए DIG सर ने इसीलिए 24 घंटे के अंदर ये सराहनीय कार्य करने के लिए जो भी पुलिस टीमें से लगी थी उनका उत्साहवर्धन करने हेतु इसमें 25,000 रुपये का नगद इनाम से उन्हें पुरस्कृत किया गया। नहीं जो क्रम सीक्वेंस इसके द्वारा बताया गया मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले इसने हस्बैंड को मारा 2-3 बार गले में, फिर सीधे वाइफ को, बेटी को बाद में, और हत्या तो ऊपर ही हो गई थी जो सीट के फिर नीचे गाड़ी में रखने का प्रयास था जो विफल हो गया, इसलिए कमरे में ठिकाने लगा के ताला लगा। तो क्या इसका बच्चे को भी पहले मार चुका था या फिर बाद में मारा था? मार चुका था, बरामद कर ली गई है, और जो तीनों मृतक के मोबाइल फोन थे वो तीनों मोबाइल फोन भी इनसे बरामद कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त बाकी इनके भी पुलिस कस्टडी रिमांड लेके जो शेष बरामदगी है वो भी कराने का इनसे प्रयास कर रहे हैं। सर और कितने लोग शामिल थे इसके साथ या किसने अकेले ने घटनाक्रम को अंजाम दिया? अभी तक की जो भी जांच और परिस्थितिजन्य साक्ष्य सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये अकेला है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। क्या पता चल रहा है सर घटना को अंजाम दिया गया? देखिए जो चीज़ें मिसिंग हैं कुछ तो तहरीर में दी गई थी, जैसा कि इको स्पोर्ट्स गाड़ी के बारे में उसमें जिक्र था जो बरामद कर ली गई है, जो तीनों मृतक हैं उनके मोबाइल फोन के बारे में इसमें जिक्र था वो भी बरामद कर लिया गया है, और ऐसा परिजनों द्वारा JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।